हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो आइए देखते हैं। बताया क्या है, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट आर रिसीव्ड डायरेक्टली इन टू इंडिया आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी। ओके, और कोई भी इनकम जो कि एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया होती है लेकिन वह रिसीव होती है इन इंडिया में, तो उसे हम रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल कर देंगे ऑल एसएससी केस में, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे क्या हो, बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ओके, सभी केस में, सभी एसएससी के केस में हम इसको टैक्सेबल कर देते हैं। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी। और कोई भी इनकम है जो कि डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो उसे हम टैक्सेबल कर देते हैं ऑल केसेस में, चाहे रेसिडेंट के केस में, चाहे नॉन रेसिडेंट के केस में, चाहे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, कोई भी हो। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट ओनली, रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। और कोई भी इनकम जो कि एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है और वहीं पर वो रिसीव भी हो रही है तो कहा जाए बस हम रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि और ये रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, ये रेसिडेंट हमारा होना चाहिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, देखिए हालांकि ये क्वेश्चन तो हमें आधा अधूरा लग रहा है, क्योंकि अगर कोई इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है और वहां पर वो रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन अगर उसका कंट्रोल, उसका उस बिजनेस का कंट्रोल या सेटअप, जो है वो इंडिया में किया गया होगा तो कहा गया है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन कहा गया अगर कोई इनकम है जो कि आउटसाइड इंडिया एक और अराइज हो रही है और आउटसाइड इंडिया में रिसीव भी हो रही है, लेकिन उसका कंट्रोल एंड बिजनेस का सेटअप, बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेटअप भी आउटसाइड इंडिया है, तो वह केवल और केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो हम इसमें दोनों हो सकता है। पहले हम मान लेते हैं कि कंट्रोल जिसका कंट्रोल एंड सेटअप एंड सेटअप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इंडिया से किया जा रहा है, उस केस में हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम मान लेते हैं कि उसका क्या है, सेटअप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन भी आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, ठीक। नॉन रेसिडेंट के कभी के केस में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में हमें क्या निकला कि अगर कंट्रोल, अगर सेटअप और बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया से किया जा रहा होगा तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर कहा गया सेटअप और बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। यहां पर हमने कुछ जोड़ दिया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जोड़ दिया है। टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ओनली, सिटीजनशिप इन इंडिया, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम किसी पर्सन की टोटल इनकम को डिटरमाइन करते हैं। ओके, 15, एक समाज बोर्न ऑन 5 अप्रैल 1990 को इन इंडिया एंड ही लेटर ऑन टूक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, नाइदर हिज पेरेंट्स और नॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन डिवाइडेड या अनडिवाइडेड इंडिया, एक्स इन दिस केस शैल बी, क्या होगा, क्या वह पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, नहीं, क्योंकि यहां कहा गया है कि नाइदर ही ना वह ना उसके पेरेंट्स ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी इंडिया में, मतलब इंडिया में या अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म नहीं हुआ है, एक कह रहा है,
तो एक नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या वह सिटीजन ऑफ इंडिया होगा? क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा? क्योंकि उसने सिटीजनशिप कहां ले ली है? अगर उसने सिटीजनशिप ले ली है यूएसए की, तो इंडिया में उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो लॉ हमें बताता है कि अगर कोई सिटीजन है जो कि इंडिया का सिटीजन है, अगर वो आउटसाइड इंडिया किसी अन्य कंट्री की सिटीजन ले लेता है सिटीजनशिप, तो इंडिया का सिटीजनशिप उसका समाप्त हो जाता है। तो इस केस में हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर है, ए फॉरेन नेशनल। ठीक है, आर लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हु इंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और आर लिमिटेड शैल बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। आर लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हु इंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आर लिमिटेड शैल बी क्या होगा? रेसिडेंट होगा, क्योंकि यह इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी ऑलवेज इज ए रेसिडेंट, जो इंडियन कंपनी होती है वो ऑलवेज रेसिडेंट होगी। ठीक, अगर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के केस में हम देखेंगे कि उसका पैलेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है। ओके, तो हमारा रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। एक्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूके, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली सिचुएटेड इन इंडिया। एक्स लिमिटेड शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि यहां पर एक एक्स लिमिटेड है जो कि एक क्या है, फॉरेन कंपनी है, और लेकिन उसका इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर जो है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर कहां पर है? होली। होली सिचुएटेड कहां पर है? इन इंडिया में है। तो कहा गया इस केस में ये क्या होगा, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। जेट ए फॉरेन नेशनल विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1819 फॉर 180 डे, रियर टू दिस है ही नेवर विजिटेड इंडिया। जेट ई इन दिस केस शैल बी क्या होगा? कहा गया अगर ऐसी किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन की रेसिडेंटियल स्टेटस को डिटरमाइन करते समय सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, क्या वह प्रीवियस ईयर में 182 डे रहा है कि नहीं। तो यहां पर कहा गया है वह 180 डे है, यानी पहला बेसिक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हम चले जाते हैं अपने दूसरे बेसिक कंडीशन पर। दूसरा बेसिक कंडीशन बताता है कि वह प्रीवियस ईयर में कम से कम एटलीस्ट 60 डे या मोर रहे हो इससे, ठीक है 60 डे रहे हो, और साथ ही साथ और फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 365 डे इंडिया में रहे हो या अधिक। तो कहा गया है इसमें बता रहा है कि इंडियर टू दिस ही नेवर विजिटेड इंडिया, यानी वो पहले कभी इंडिया में आए ही नहीं थे। तो इसका मतलब इस सेकंड वाले का कोर्स केस होने का कोई फायदा ही नहीं है, सेकंड वाला तो फुलफिल होगा ही, सेटिस्फाई तो हमारा ए भी सेटिस्फाई नहीं होता है। इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, नाइनटी हम लोग देखते हैं, वेयर ए नॉन रेसिडेंट हैज एनी इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया सच इनकम। वेयर ए नॉन रेसिडेंट हैज एनी इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया एज इट एक्रू और अराइज इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन मान रहा है, ठीक है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया एज इट्स एक्रू और अराइज इन इंडिया, नहीं सॉरी ए डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है। अगर कोई एक नॉन रेसिडेंट है ठीक है, जो कि आउटसाइड इंडिया में रहता है और वो कोई इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटीज उसका कोई एजेंट करता है, कोई एजेंट इसकी तरफ से इन ऑन बिहाफ ऑफ दी नॉन रेसिडेंट, कोई पर्सन है जो कि नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पर वर्क करता है होली और मेनली फॉर नॉन रेसिडेंट के लिए। तो कहा गया इस तरह की इनकम को हम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया एज इट इज डीम्ड टू एक्रू और एज इन इंडिया मानेंगे।
डिविडेंड पेड बाई एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इसे हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ओके, अगर डिविडेंड का पेमेंट इंडियन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया में तो उस पर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, कंपनी या टैक्स पेयर करेगा, रिसिपिएंट करेगा। इस पर टैक्स का पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके अगले आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।